अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू का भुर्ता, जिसके लिए यहाँ पे हमने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं 1 किलो। इसको हमने बॉयल करने के बाद जो है मैश भी कर लिया है, सही से कूट के इसको भुर्ते की फॉर्म में कर लिया है। और यहाँ पे हमने धनिया ले लिया है आधा पंच, जो कि बिल्कुल एंड में तलेगा। और ये हमने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 बड़े साइज़ के यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं। 6 हमने हरी मिर्ची ले ली है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला ले लिया है। और ये हमने अपने सूखे पाउडर ले लिए हैं, जो के हैं यहाँ पे पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हसबे जायका यहाँ पर हमारा नमक है, और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च है। अब हम आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता चुके हैं, अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलेंगे और इन सब मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा आलू का भुर्ता तैयार करेंगे, जो कि हम खा सकते हैं आलू का भुर्ता और आलू का पराठा बना के, और आलू के समोसे रोल बना के, और स्पून से भी खा सकते हैं, और हम रोज़मर्रा के खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं। यहाँ पर हमने 150 ग्राम ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करके आपको दिखाते हैं। प्याज के बाद हमने इसमें अपने ज़ीरा ऐड कर लिया था 1 टेबल स्पून। उसको हमने सुनहरा तलने के बाद यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर ली है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे और इसको टमाटर को नरम कर लेंगे। और यहाँ पे हमने अपना अदरक लहसुन और सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें आलू का पेस्ट ऐड कर लेंगे, जो हमने मिक्स किए हैं आलू। तो गाइस, यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका था। हमने इसमें आलू का कुटा हुआ आलू डाल दिया है। उसके बाद हमने डाला है गरम मसाला और धनिया पुदीना, और अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हमारा भुर्ता रेडी हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारा आलू का भुर्ता रेडी हो चुका है और साथ में हमने आलू के पराठे भी बना लिए हैं। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने हैं, और हमने साथ में इसके ये रायता भी बनाया है। मज़े का बनाए गाइस, चटपटा सा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी खुशबू भी आ रही है इसकी, के खुशबू के साथ ही आपको खाने का दिल करेगा। तो गाइज, आप भी बनाएं और हमें बताएं कि कैसा बना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।